भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत हमीरपुर में विद्युत परिवहन एवं निजी परिवहन महासंघ ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगों से अवगत करवाया है। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष तिलकराज शर्मा की अगुवाई में तीनों संघों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि भारतीय मजदूर संघ 24 जुलाई से 30 जुलाई तक सरकार जगाओ सप्ताह का आयोजन कर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार की श्रम विरोधी नीति, सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करना, श्रमिक कानूनों को निलंबित करना, प्रवासी मजदूरों को नौकरी देना, लॉकडाउन अवधि का वेतन देने सहित अन्य विषयों पर रोष व्यक्त किया गया और केंद्र सरकार से श्रमिक अधिकारों का तथा उनके रोजगार की रक्षा करने की मांग की गई। आज भारतीय मजदूर संघ केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर खंड स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक जो राज्य सरकार की विरोध नीतियां, मजदूरों की विरोध नीतियां और केंद्र सरकार की विरोध नीतियों के अंतर्गत केंद्र भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक सरकार जगाओ अभियान जो है वो भारतीय मजदूर संघ ने चलाया हुआ है। आज जो हमारा विषय है, जैसे कि पिछले कल आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स का विषय था वो भी रखा, एवरीडे जो वो हमने विभिन्न वर्गों कर्मचारी जो हमारे वर्ग रहते हैं उनका हमने चयन किया हुआ है। आज केवल मात्र हमारा जो बिजली बोर्ड है और पथ परिवहन निगम है और निजी ट्रांसपोर्टेशन, आज जिला स्तर पे जो है माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने बताया कि महासंघ की प्रमुख मांगों में मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को निलंबित करने व कई राज्य में काम के घंटे बढ़ाए जाने को वापस लेने व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को दूर कर लंबित पारिश्रमिक वेतन भत्ते का भुगतान जल्द करना शामिल है। उन्होंने कहा कि संघ ने राज्य परिवहन, विद्युत व निजी परिवहन की मांगों को भी ज्ञापन में शामिल कर प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री को भेजा है और मांग की है कि सरकार जल्द समस्याओं का समाधान कर श्रमिकों व जनता को लाभ पहुंचाए। जहां तक डिमांड्स का विषय है तो सबसे पहले तो हम जो श्रम कानूनों से छेड़छाड़ की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया इवन वो 4-5 राज्यों में तो इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन केंद्र भारतीय मजदूर संघ और प्रदेश भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि जो श्रम कानूनों में छेड़छाड़ की गई उसे तुरंत वापस लिया जाए और जो आए दिन ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो ठेकेदारी प्रथा को बंद करें, ताकि ठेकेदारी प्रथा बंद होगी तो हमारे जो कर्मचारी भाई हैं या कर्मचारी रखे जाएंगे उनके लिए जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। जहां तक एचआरटीसी की बात है तो एचआरटीसी में भी जो हमारे ड्राइवर कनेक्टर्स सभी ने कोरोना काल में जो है वो एक योद्धा के तौर पर जो है वो अपनी ड्यूटियां दी हैं, लेकिन आज देखने में आ रहा है और केंद्र सरकार इसको निर्णय लेने जा रही है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है एचआरटीसी को जो है वो प्योर प्राइवेट किया जाए, तो हम इसका विरोध करते हैं। बड़े खेत का विषय है कि जो हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे मालिक हैं चाहे ड्राइवर हैं, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया, इन्होंने भी अपना परिवार पालना है और जो टैक्सी ये जैसे बार बार अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना तो ये इनको हर बार ही टैक्स देना पड़ता है, तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनके साल में कम से कम एक बार टैक्स लिया जाए और इनके लिए कोई प्रोत्साहन राशि जैसे बाकी वर्गों के लिए दी, मनरेगा वर्कर्स के लिए दी या दूसरे सभी वर्गों के लिए दी, लेकिन एक हमारा जो ट्रांसपोर्ट के ये जो हमारे जो प्राइवेट टैक्सी यूनियन जी हैं इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया, तो इनके लिए जो वो कम से कम जो है वो 5,000 के प्रोत्साहन राशि के रूप में दे दिया जाए।